मेरी आंखें सूखी हुई हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं रो नहीं रहा हूं, मेरे आंसू यहां से निकल रहे हैं, दिल से। हाँ सर, वो तो दिख रहा है। दो दो सीक्रेट एजेंट्स मारे गए, दो दो, दो मारे गए, तीन गायब है। जी सर। सीक्रेट एजेंट्स देश के लिए जान दे देते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता, बेचारे। वो दुश्मन उन्हें मार दे तो बात और है, मगर यहाँ पे तो, यहाँ पे तो उनका खून अपने ही देश के एक टॉप पुलिस ऑफिसर ने कर दिया, एसीपी प्रद्युमन ने। मगर सर ये बात अभी तक एकदम साफ नहीं हुई है। साफ है, सब साफ है। एसीपी गायब क्यों है? दुल्हन लगे डालने माला और दूल्हा भागा टॉयलेट। जब यहाँ आई मुसीबत तो एसीपी गायब। याद है मैंने तुम्हें वो लेटर दिखाया था जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भेजा था दिल्ली से? एसीपी देश के दुश्मनों से मिल गया है, मार रहा है एक एक करके सबको। सर, सर क्यों? सर वो अफजीत सर और फ्रेडी सर मुझसे पहले पहुंच गए वहां पे। अफजीत और फ्रेडी? हाँ सर, वो फ्रेडी सर ने मुझे रोक लिया और जो मेरे पास चिप था वो अफजीत सर ने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया। सर भैया मैं कह रहा हूं ना बार बार, अभिजीत और फ्रेडी मिल गए एसीपी से। और तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो यार? उस जोकर से हार गए, फ्रेडी से? सर वो मैंने कहा ना तुमसे, अगर दया जैसा बनना है तो ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी। जी सर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा सर कि अभिजीत इस हद तक जा सकता है, मुझे उसे रोकना होगा सर। चलो। हेलो सीआईडी ब्यूरो। बचाओ, बचाओ। हम, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ है? बचाओ, मेरी मदद करो। बोलो बोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बोलो। सर वो जितने भी अंडरकवर एजेंट्स हैं उन सब के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे? हाँ फिर जहाँ जहाँ भी चिप होगी वहाँ से सिग्नल निकलता रहेगा और स्क्रीन पे दिख जाएगा। मिल गया, एक चिप है। ये चिप तो करण की बॉडी में था। मगर सर करण की लाश में से तो चिप निकल गया था ना? वो चिप एसीपी सर के पास में है। टेलीफोन कंपनी वालों ने क्या बताया था? फ्लैट नंबर 301 ना? हाँ सर। 306। मालिक, दरवाजा खोलिए। सर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। वही सोच रहा हूँ क्या करें। एक मिनट। इस फोन से कॉल किया गया था मरने से पहले। देखो घर में कुछ मिलता है क्या, चेक करो। सर सर रेडी रेडी, रुकना जरा, सिग्नल आसपास से आ रहा है। सर सर इसका मतलब है एसीपी साहब भी आसपास ही कहीं होंगे। कहां से? आप रेडी देखना पड़ेगा कहां से। ये सिग्नल तो उधर से इधर आ रहा है। कहीं मोबाइल इसके पास तो नहीं है? ये सिग्नल यही बता रहा है, उठाओ उसे। क्या छुपा रखा है? मैंने कुछ नहीं छुपाया। चिप कहाँ है? कौन सी चिप? मोबाइल सर। ये तो एसीपी सर का मोबाइल है। कहाँ से चुराया? मैंने नहीं चुराया इसे। तो कहाँ से मिला ये? वो मेरे सामने किसी ने गाड़ी से फेंका और मैंने उठा लिया। फिर ये रही चिप, एसीपी साहब ने संभाल के रखा हुआ था। और क्या मिला था? और कुछ नहीं। लेकिन
साहब ये भी गिरा था गाड़ी से। साहब मुझे माफ कर दो। कहाँ पे मिला था ये? वो सामने वाले मोड़ पर साहब। वहाँ पे? हाँ साहब। गाड़ी के अंदर कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गाड़ी इतनी तेजी से गई कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। कैसी गाड़ी थी? वो सफेद रंग की वैन थी, और हाँ उसके पीछे वाले शीशे पे एक फुटबॉल का स्टिकर लगा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। सर आप भी वही सोच रहे तो मैं सोच रहा, मतलब एसीपी साहब को किसी ने किडनैप कर लिया? हाँ रेडी, एसीपी सर की जान खतरे में है। अरे कोई है, कोई है। कोई है। लगता है ये खून चोरी के लिए नहीं हुआ है, घर का सारा सामान ठीक ठाक है। एक काम करो, आसपास से पड़ोसियों को यहां बुलाओ, उनसे पूछताछ करो। सर सर किचन की खिड़की खुली है, बाकी सब बंद है। अच्छा, कहीं खूनी किचन से तो नहीं भाग गया? डीसीपी सर को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक तो उन्हें शक नहीं हुआ है। वैसे जब से तुम गए हो उनके हाँ में हाँ मिला रहा हूं मैं। जब तक डीसीपी सर का पता नहीं चल जाता उन्हें यही लगना चाहिए हम लोग दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं। हाँ टेंशन मत लो तुम। अब डीसीपी साहब का क्या, कुछ पता चला उनका? दो दिन पहले डीसीपी सर किडनैप हो चुके हैं। क्या? वो कहाँ है, किधर है कुछ पता नहीं, लेकिन गुंडे जिस वैन में उनको लेके गए उसके बारे में पता चल चुका है। तो एसीपी साहब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस गैंग के प्लान के बारे में पता करना होगा। मैं उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ जिसने जूही का खून किया है। वो कैनिस्टर जूही ने किसी खास मकसद से ही चुराया होगा। एक काम करो, सचिन को बोलो कुमार से मिले, उस कैनिस्टर के बारे में पता लगाए। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड लक। उस सोने के कैनिस्टर में ऐसा क्या था कि सिर्फ वही चोरी हुआ? देखिए कोई मामूली चीज नहीं थी, 17वीं सदी का खरा सोने का बना हुआ कैनिस्टर था वो, लाखों में उसकी कीमत थी। नहीं नहीं नहीं, ये कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। सीक्रेट एजेंट्स उसकी कीमत के लिए उसे नहीं उठाएंगे, बल्कि उसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जो मिशन से जुड़ा हुआ है। ये कब से था आपके पास? अभी अभी तो खरीदा था मैंने, अभी दो दिन पहले ही तो डिलीवर हुआ था मुझे। क्या, दो दिन पहले? कहाँ से आए थे? पांडिचेरी, वहीं से खरीदा था मैंने। अब इतनी महंगी चीज मैं खुद नहीं ला सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे शिप से भिजवाई थी। पांडिचेरी से खरीदा था?
इसका मतलब शिपिंग के वक्त ही किसी ने उसमें कुछ डाल दिया होगा। शिपिंग कंपनी की डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ है, मेरे पास उसकी रिसिप्ट है। ब्लू स्वैन शिपिंग? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। अच्छा, आप लोग जा सकते हैं। सर, किसी ने भी गोली चलने की या चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी। कमाल है, घर में दो दो गोलियां चली और किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। गन पे जरूर साइलेंसर लगा होगा, वरना यह हो नहीं सकता। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, किचन से बाहर जाने का कोई निशान नहीं, तो फिर खूनी घर से बाहर गया तो गया कहां से? एसीपी प्रद्युमन तो पहले से ही अपराधियों के साथ मिल गए, और मुझे लगता है कि तुम दोनों भी। सब गलत है, एसीपी प्रद्युमन जैसा दूसरा आदमी कोई बना ही नहीं है। और एक बात याद रखिए मनीष जी, अगर हमें कुछ गलत करना होता तो हम आपके पास मिलने क्यों आते? हम आपके अंडर कवर एजेंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुना है काफी लोग मर गए। हाँ, मिशन फेल हो गया। था क्या वो मिशन? एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसका नाम कोई नहीं जानता, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, बस इतना मालूम है वो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। उस आदमी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? नहीं, उस आदमी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, मगर मालूम है तो बस ये कि मुंबई में कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। मुंबई में अटैक? इस वक्त आपके एजेंट कहाँ होंगे ये तो मालूम होगा आपको। आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पांच लाइनें आप देख रहे हैं ये हमारे पांच एजेंट हैं। जहां जहां ये एजेंट जाएंगे ये हमें लाइनें बताएंगे। ये कौन सी जगह है? यहाँ पे आपके एजेंट कई बार गए हैं? पता नहीं। अच्छा, कई बार गए हैं तो फिर कुछ तो खास बात होगी। कोई है? इस रिसिप्ट को देखिए, ये शिपमेंट आपके यहां से भेजा गया था? जी हाँ सर, पिछले हफ्ते हमने ही भेजा था, ऑक्शन का सामान था। सामान की पैकिंग वगैरह कौन करता है? संदीप। बुलाओ संदीप को। यस सर। संदीप, ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी हाँ, पिछले हफ्ते एक कैनिस्टर भेजा गया था मिस्टर कुमार को, उसकी पैकिंग तुमने ही की थी ना? मिस्टर कुमार मुंबई भेजा गया था, राइट? राइट। हाँ, मैंने ही पैक किया था। क्या हुआ? क्या रखा था कैनिस्टर में? अंदर? मैं नहीं जानता, मेरा काम सिर्फ पैक करना है, और वैसे भी कैनिस्टर में कुछ रखा गया था। क्या रखा गया था? मैं नहीं जानता सर कि उसमें क्या था और क्या रखा गया था, पर मैंने कुछ नहीं डाला सर, सच्ची कह रहा हूँ सर। पैकिंग होते वक्त आस पास कैनिस्टर के कुछ था, याद करके बताओ। हाँ हाँ सर। हाँ, कौन वो? जब मैं उस दिन कैनिस्टर की पैकिंग कर रहा था तो मेरा दोस्त हरीश मुझसे मिलने आया था, बस। ये हरीश का नंबर है तुम्हारे पास? अब हाँ सर। ये रहा सर। हेलो, मैं हरीश से बात कर सकता हूँ? क्या, कब?
गॉड, ये सब कैसे हो गया? कल रात आखिरी बार मेरी बात हुई थी हरीश से। वो बाइक से वापस आ रहे थे और फिर अचानक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी अभी पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वो सड़क सुनसान थी, इसीलिए किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा नहीं है। हाँ, कोई विटनेस नहीं है, इसलिए ट्रक या ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में कोई हरीश से मिलने आया था जो नीलामी की बात कर रहा हो, या फिर कैनिस्टर या कैनिस्टर भेजने की बात कर रहा हो कहीं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अच्छा, हरीश आपको टेंशन में लगा क्या, या फिर कोई अजीब सी बात? हाँ, एक अजीब बात तो है, लेकिन देखिए आप घबराए मत, प्लीज बताइए। एक दिन वो पैसों से भरा बैग लेकर आए थे घर पर, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पैसों की वजह से हरीश का? देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर पता लगाएंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा, ये बताइए कि ये बैग कहाँ पे? वो बैग मैंने वैसे का वैसे संभाल के रखा। ये बैग दिखा सकती हैं? मैं भी लेकर आती हूँ। इसका मतलब हरीश की मौत एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हरीश से काम निकल जाने के बाद उसे ऊपर पहुंचा दिया गया। हरीश भी मिला हुआ था। अंडरकवर एजेंट्स यहाँ पे क्या करने आते होंगे? ऐसी जगह पे तो कोई आता जाता भी नहीं होगा। कुछ तो खास बात होगी फ्रेडी, तभी सभी यहाँ पे इकट्ठा होते थे। चलो अंदर देखते हैं। अरे वाह, बाहर कबाड़ खाना और अंदर खुफिया ऑफिस। यहीं पे बैठ के मिशन का काम करते होंगे ये लोग। ये देखा, कितने सारे मैप्स, ब्लूप्रिंट्स, स्केचेस वगैरह सब यहाँ पे हैं। चाय के तीन कप भी है। उसने बताया था ना कि 5 एजेंट काम कर रहे हैं। करण और जूही तो मर चुके हैं, ये बचे हुए 3 एजेंट यहाँ बैठ के काम कर रहे होंगे। सर, चाय अब भी है कब में? लगता है कोई इमरजेंसी होगी, अचानक निकल गए यहाँ से। ऑपरेशन एक्स, चक्कर क्या है ये आदमी? ये तो वही आदमी है ना फ्रेडी, जिसने जूही का खून किया था और वो कैनेस्टर लेके भाग गया था। हाँ सर, मतलब ये अंडरकवर एजेंट्स इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे। इस आदमी का कोई लंबा चक्कर है, ये आदमी पकड़ में आ जाए तो इसी भी साहब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात किससे कर रहा है? चेहरा दिख नहीं रहा इसका। लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। ये पीछे देखा, ये नकाबपोश। हाँ सर, लगता है चोरी करके भाग रहे हैं वहां से। ये आदमी जहां खड़ा था उसके पीछे चोरी हुई है। ये देखो, ये कार में बैठे निकल गए। इस आदमी का चोरी के साथ जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। इस एरिया को ढूंढते हैं फ्रेडी,
इस आदमी के बारे में पता चल जाएगा। सारे के सारे नोट तो पुराने हैं, ये ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। कंपनी का आईडी कार्ड है, परिश की फोटो भी है। अच्छा, ये आपके पति हरीश काम क्या करते थे? जी वो प्रॉपर्टी डीलर थे, शॉप्स फ्लैट्स ऑफिसेज में डील किया करते थे। प्रॉपर्टी ब्रोकर? आपको पूरा यकीन है? क्या मतलब? क्या हरीश पहले यहाँ पे काम करते थे? SMS वॉल्स? नहीं, ऐसे किसी कंपनी के बारे में मैंने उनसे नहीं सुना। नहीं, वो ऐसे किसी कंपनी में काम नहीं करते थे। कहीं ये आईडी कार्ड नकली तो नहीं है? ये नकली आईडी कार्ड लेके अरे ये सेफ्टी वॉल्ट बनाने वाली कंपनी में क्या कर रहा होगा? खूनी अंदर आया कहां से, घर से बाहर निकला कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बिजली नहीं है। जरा देखो ये मेन स्विच कहाँ है, जल्दी। सर स्विच ऑफ करके बिजली काट दी गई। वो क्यों सर? जब ये दोनों यहाँ घर के अंदर आए होंगे तो लाइट ऑन की होगी, और जब लाइट ऑन नहीं हुई तो ये औरत यहाँ खिड़की पे आई, और जैसे इसने खिड़की खोला बाहर से किसी ने उन पर गोली चला दी। पर सर जब हम इस घर में आए खिड़की तो बंद थी। हाँ शायद ये उस खूनी का ही काम है। सर मतलब खूनी सामने वाली बिल्डिंग में था? हाँ, उस घर में होना चाहिए खूनी। फोटोग्राफ में जो जगह है वो यही लगती है। चलो यहाँ पूछताछ करते हैं। स्किल, ये कुछ दिन पहले यहाँ पे चोरी हुई थी, कुछ मालूम है उसके बारे में? हाँ यहीं पास में ही तो है, करीब 7 दिन पहले हुई थी चोरी। यहाँ पे? हाँ सर। कौन सी दुकान है? आगे 3 दुकान है, बेचारे बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे। एक दिन में 3 दुकान में चोरी? हाँ सर, एक ज्वेलर्स की है, एक परचून की, एक किराने की। ओके ओके, इस तरफ ही है ना? नमस्ते। आप लोग? हम लोग CID से। CID? लेकिन यहाँ कैसे? मैंने तो किसी का खून नहीं किया। हमने कहा क्या?
फोन किया? आपने तो नहीं कहा, लेकिन तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? हाँ, पूरब? आपको मेरा नाम कैसे पता? अब तो सिर्फ नाम लिया है, एक एक करके सारे पत्ते खुलेंगे। निकल, पकड़ के रखो इसे। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या देख रहे हो भाई? अरे उधर कुछ नहीं है भाई। सारे सवालों के जवाब यहीं पे दोगे या पूजा से मिलने के बाद? पूजा कौन? पूजा सीआईडी ब्यूरो में होती है, उसके बाद सारे सच बाहर आ जाते हैं। 10 सेकंड का टाइम देता हूं। मैंने ही उन दोनों का खून किया। जिस घर में वो दोनों रहते थे वो मेरा घर था। मेरा बिजनेस डूब गया था और मैं वो घर हाल हाल में बेचना चाहता था, लेकिन बेचता कैसे? वो दोनों इस घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उन्हें मार डाला? तो और क्या करता? मैंने उन्हें कई मरतबा समझाने की कोशिश की, धमकियां दी, कोर्ट में केस भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा कोर्ट ने वो घर उन्हें दे दिया। मेरे पास उनके घर की चाबी थी। मैं उनके घर गया और बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। मैं जानता था कि अगर बिजली नहीं होगी तो वो खिड़की जरूर खोलेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर उन्हें मारने के बाद मैं फिर से घर में गया और खिड़की बंद कर दी। किसी की जान ले लेना किसी मुसीबत का हल नहीं। अब ना तो घर रहेगा और ना ही उस घर में रहने की किस्मत। जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ना, फांसी नहीं हुई तो। साहब चोरी करके ब्रेड और बिस्किट ले जाते ना साहब तो ठीक था सर, ये जो तोड़फोड़ करके नुकसान किया उससे बहुत नुकसान हुआ है सर। सर ज्वेलरी और जनरल स्टोर का भी वही हाल है, पूरी तरह से तहस नहस। ये चोरी क्या क्या हुआ आपके यहाँ से? कोई सामान नहीं सर, कोई चोरी भी की होती तो मैं समझ में आता। कमाल है सर, तीनों दुकानों में चोर ने चोरी नहीं की बल्कि तोड़फाड़ की। तो ये सब पैसों के लिए नहीं हुआ है? इस तरह से तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया तो पूरी दुकान शुरू करने में पूरा 1 महीना लग जाएगा सर। तीन तीन दुकान वालों से एक आदमी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये कुछ और ही चक्कर है फ्रेडी। भैया हम बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वॉल्स बनाते हैं, पर आप लोग यहाँ। अच्छा, इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ये आप ही की कंपनी का कार्ड? जी हाँ। ये आदमी आपके यहाँ काम करता था? जी नहीं, इस आदमी को तो मैं नहीं जानता, ये हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई के लिए कोई वॉल्ट डिजाइन किया था क्या? देखिए वैसे तो हर दूसरे दिन हम तकरीबन 20 से ज्यादा वॉल्ट डिलीवर करते हैं। इसका मतलब ये हरीश यहाँ पे वॉल्ट का डिजाइन चोरी करने आया था। डिजाइन चुराने? जी हाँ, एक आदमी नकली आईडी कार्ड लेके आपकी कंपनी में आता है और कंपनी से वॉल्ट का डिजाइन चुरा लेता है और आपको खबर तक नहीं। जल्दी से जल्दी चेक करके बताइए कि जो वॉल्ट मुंबई भेजे गए उसमें से किसका डिजाइन गायब है। विवेक
जिसने भी ये काम करवाया है उसने हरीश से फोन पे बात जरूर की होगी। एक काम करो, हरीश की फोन रिकॉर्ड निकालो। यही जगह है, देखा? ये इस तरफ खड़ा था और वो आदमी इधर। यही किसी दुकान से फोटो खींची गई है। सर, अगर वो आदमी यहीं पे खड़ा होके जैकी से बात कर रहा था तो किसी ने तो देखा होगा। ये सब्जी वाला ये यहाँ खड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा। अरे सुनो भाई, देखो हम लोग सीआईडी से। हाँ बोलिए। जरा ये फोटो देखो, ये जो आदमी खड़ा है इसको तुमने देखा है क्या? हाँ। अरे वाह, देखा है? हाँ। कहाँ कहाँ देखा है? अरे साहब, और किसी आदमी के साथ था वो यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी जिससे बात कर रहा है, जिसके साथ, उसका चेहरा देखा क्या तुमने? हाँ देखा है। अरे वेरी गुड, कैसा कैसा दिख रहा था उसका चेहरा? अरे साहब, 50-60 साल का आदमी कैसा होता है, वैसा ही था। 50-60 साल का आदमी। अच्छा एक काम करो, तो हमारे साथ ब्यूरो चलो, जरा याद करके सोच समझ के इस आदमी का चेहरा बनवा दो। अब ये काम कभी किया नहीं। अरे कोई बात नहीं, अभी कर लेना, आ जाओ। कैनिस्टर में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से हरीश और जैकी फोन पर बार बार बातचीत कर रहे हैं? देखते हैं। अच्छा आप जैकी का एड्रेस तो यही बताया ना? हाँ, मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस दिया था। देख, याद रहे, जैकी हर हाल में हमें जिंदा चाहिए। तुम लोग कौन? तुमसे बात हुई ना फोन पे? बोलो क्या काम? सारी बात यहीं खड़े होके करोगे या फिर अंदर आ सकते हैं हम? ये कौन है? ये मेरे भरोसे का आदमी। रुको खोलता हूं। तुम
क्या चला रहा है? बचाओ बचाओ पहले खून बचाओगे तो मैं क्यों ना बचूं? विवेक बहुत बुरी तरह से जल गया और ये जैकी भी मर गया। ये जैकी हमें इसी भी सर तक पहुंचा सकता था। सचिन सर, जिस आदमी ने चोरी को मार के कैनिस्टर चोरी किया, हाँ, उसका पता चल गया। उसका नाम जैकी है। वेरी गुड, एसीपी साहब को पता चल जाएगा। कहाँ है वो आदमी? सर वो आदमी तो नहीं है। सर क्या मतलब? सर हम उसे बचा नहीं पाए, वो मर गया। क्या वो मर गया? सचिन वो एक लौता सबूत था एसीपी साहब तक पहुंचने का, तुम उसे भी बचा नहीं पाए? ये कैनिस्टर, इससे क्या पता चला? सर उसने इसमें से पेपर निकाल के जला दिए। मैंने काफी कोशिश की लेकिन सर यही बचा पाया। ये पेपर? तो इस पेपर की वजह से चोरी और खून हो रहे हैं। सर हाँ बोल। सर ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? ठीक से याद है, यही आदमी था वो? एक बार जिसे देख लूं उसे भूलता नहीं साहब। ये वही आदमी है। वही है? हाँ हाँ वही। यकीन नहीं होता। चलो सीआईडी के इम्तिहान का वक्त आ गया है। क्या इस मकान में कहीं मेरे जैसे और किसी को कैद करके तो नहीं रखा अंदर? देखना पड़ेगा। Thank you.
होटल का बिल। अरे यार बोर हो गए, कैदियों की तरह काम करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद ही यहाँ कैदी हो गए। देखो अब क्या होता है। तुम यहां? और ये भी वापस चौकर? बड़ी धूमधाम से निकले थे ना यहां से कि जब तक एसीपी की बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता तब तक वापस नहीं आऊंगा। जी सर, कहा था। मगर बात अब तो यहां तक पहुंच चुकी है कि एसीपी के साथ साथ तुम्हें भी अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अब निकलने ही वाला है। पासा पलट चुका है सर। कौन से पासे की बात कर रहे हो? डीसीपी विश्वास शमशेर चित्रोले। ये कैसा पासा है? सर बहुत टेढ़ा पासा है। विश्वास शमशेर हत्तीजा, अरे ये तो मेरा ही नाम है। यस सर, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही सब पता चल गया है। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। दो जूनियर ऑफिसर डीसीपी से सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं? आप जैकी को कैसे जानते हैं सर? जैकी कौन है? नहीं याद है? नहीं, ठीक है, शायद ये फोटोग्राफ आपको कुछ याद दिलाते हैं। ये जैकी है और इसके साथ कौन खड़ा है? आप। ये आप खड़े हैं जैकी के साथ। कुछ याद आया? कहां से मिली ये फोटो? ये तो बताया नहीं जा सकता। किसने खींची ये फोटो? सर ये भी बता नहीं सकते। मानहानि का दावा कर दूंगा उसके ऊपर। एक डीसीपी की फोटो खींचने की हिम्मत कैसे की उसने? मतलब सर ये आप ही है ना फोटो में? नहीं, कौन कहता है मैं हूं? सर जैकी से बात करते हुए एक आदमी ने आपको देखा है। मुझे देखा था? मुझे? सब झूठ है। अच्छा, देख सर लेके आओ उसे। ये फंसा लिया है सबको, एसीपी ने अपने जाल में फंसा लिया है। चलो चलो देखो। डरो मत, इधर आओ, पहचानो इन्हें, यही थे वो।
यही हिसाब, यही था। विवेक, ले जाओ उसे। जैकी एक बानवा क्रिमिनल है सर, चार बार जेल जा चुका है, और अंडरकवर एजेंट जूही, उसे भी उसी ने नहीं मारा। और सर, कैनिस्टर में मिले हुए सबूत को मिटाने की कोशिश भी उसी ने की। एसीपी साहब का किडनैप हो गया है सर, उन्हें किडनैप कर लिया गया है सर। झूठ है, झूठ। एसीपी प्रद्युमन फरार है। नहीं, एसीपी साहब मुसीबत में, और उनकी मुसीबत का कारण है आप। अभिजीत, इतनी हिम्मत, तुम्हारा करियर खत्म। करियर तो आपका खत्म डीसीपी साहब। जिस गैंग ने एसीपी साहब का किडनैप किया है, ये जैकी उसी के लिए काम करता था। आप भी उसी गैंग से मिले हुए हो। एसीपी साहब को किडनैप आपने करवाया है। ये अचानक मुझे क्या हो गया? एसीपी साहब कहाँ है सर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों सर? मेरी याददाश्त को न जाने क्या हो गया है। अच्छा, अचानक याददाश्त चली गई। मैं कहाँ हूँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.